स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए इस वीडियो में चार बड़ी अपडेट आ रही है। यानी कि बात करें क्लास 9 टू 12 के साथ साथ मेंस और नीट की परीक्षाओं को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो में पूरी कंप्लीटली चार बड़ी अपडेट जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से, प्री बोर्ड परीक्षाएं और आपकी सेकंड प्री बोर्ड की तैयारियां जो है पूरे देश भर में स्कूल शुरू कर चुके हैं। तैयारियों को जायजा स्कूलों ले रहे हैं। यानी कि बात करें बोर्ड एग्जामिनेशन, जो पूरे छात्र जो तैयारी है उनकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए प्री बोर्ड परीक्षाओं की सेकंड जो है बारी, यानी कि अब दूसरी प्री बोर्ड को लेकर पूरे स्कूलों में पूरे देश भर के छात्र जो है स्कूलों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिनकी पहली नहीं हुई है उनको लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है, यानी एग्जामिनेशन को लेकर आप लोग तैयार हो जाइए। और वहीं हम दूसरी अपडेट की बात करें तो 9th 11th को जो छात्र हैं उनके लिए बड़ी अपडेट ये आ रही है। जैसे कि बात करें, एक हाल ही में एक सर्वे हुआ था, यानी पोल जनरेट किया गया था जो पूरे देश भर के छात्रों के लिए था। तो पोल में क्या था आपका सवाल, बस था कि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड हो या आपके देश के शिक्षा मंत्री एक्टिव है, उसी तरीके से 9th 11th को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आए थे। सवाल यह था कि परीक्षाओं को किस तरीके से करवाना चाहिए उसको लेकर जो अब तक रिकॉर्ड तोड़ यहां पे पोलिंग पोल पे जो है वोट हो चुके हैं। 1,60,615 वोटिंग हो चुकी है और यहां पे सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो आप लोग यहां पे देख सकते हैं ऑनलाइन। पूरे देश भर के 9th 11th छात्रों की जो मांग है, अभी भी उनकी मांग है कि परीक्षाओं को ऑनलाइन ही कराना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे बेस्ट जो है पूरे देश भर में कंडीशन के अनुसार जो है स्टूडेंट्स को 2021 में ये दिया जाना चाहिए। क्योंकि 2020 में छात्रों को कई सारे ऑप्शन दिए गए थे प्रमोट किए, तो 2021 में छात्रों को ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं बात करें तीसरी अपडेट आ रही है कि पूरे देश भर के जो छात्र है वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ मेंस और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो मेंस का डेट शीट जो है ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन नीट पे कई सारे सस्पेंस बने हुए थे। तो ऐसे में आपके देश के शिक्षा मंत्री और एनटीए ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जल्दी इस पे जो सस्पेंस है आपके नीट के एग्जामिनेशन डेट को लेकर, तो वो भी जल्दी आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। वहीं आखिरी और चौथी अपडेट की बात करें तो पूरे देश भर के जो छात्र हैं इसको लेकर अब क्लेरिफिकेशन आ चुका है। एनटीए ने क्लियर कर दिया जो छात्र इस बार जो है मेंस के एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनका जो है लगातार ये सवाल था कि 24 मई को उनका बायोलॉजी का पेपर है और वहीं आपका मेंस का जो है फोर्थ अटेम्प्ट जो है वो आपकी 24 से लेकर 28 मई तक होनी है। तो ऐसे में 24 को जिनका जो है बायोलॉजी का पेपर है, तो वो स्टूडेंट्स कैसे शामिल होंगे मेंस की परीक्षाओं को लेकर। तो एनटीए ने कहा है कि परीक्षाओं की जो डेट शीट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उसका मेन कारण जान लीजिए, एनटीए ने साफ साफ क्लियर किया है कि जो भी स्टूडेंट जो है आपके 24 तारीख वाले जो पेपर उनका मेंस का एग्जामिनेशन होगा और उनका बायोलॉजी का पेपर होगा, जिन स्टूडेंट्स का बायोलॉजी को 24 का पेपर होगा उनको जो है उस डे वाले स्लॉट में उनकी परीक्षाओं को मेंस की डेट नहीं दी जाएगी। यानी कि सीधा सीधा यह है कि अगर आपको 24 तारीख का बायोलॉजी का पेपर होगा तो उस दिन आपका मेंस का एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको किसी अलग स्लॉट में परीक्षाओं की डेट दी जाएगी। यानी चाहे 25 से लेकर 28 तक, यानी 24 से 28 तक चलने हैं तो आपका इस डेट में आपको नहीं स्लॉट दी जाएगी, अदर डेट में दी जाएगी। तो इस तरीके से चार अपडेट आपने जाना सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए लगातार इस तरीके से अपडेट पे आगे भी बने हुए। तभी किस वीडियो में इतना ही, वीडियो चली वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वही वीडियो को खत्म करें। लेकिन उससे पहले अगर आप क्लास 12 में हैं और आप सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं से पहले प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका जो अकेडमी लेके आया है, अकेडमी आपको फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है। टेस्ट सीरीज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिला है, वही जो टेस्ट सीरीज है पूरी तरीके से स्टूडेंट्स के लिए उनके बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड जैसा होने वाला है। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है आपके 14 फरवरी टू 18 फरवरी 3 PM to 6 PM स्टार्ट होने वाला है। पूरी तरीके से इनरोलमेंट इसमें फ्री होने वाला है। चाहे आप यहाँ पे देख लीजिए, आप साइंस स्ट्रीम हो या आपका कॉमर्स हो या आपका आर्ट्स हो, आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट्स में ऑल सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे आपको ऑल इंडिया सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चलने वाली है अकेडमी पे पूरी तरीके से फ्री में। देख लीजिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, आपकी इंग्लिश, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स जैसे सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे पूरी कंप्लीट सीरीज जो चलने वाली है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर कैसे करना है, यहाँ पे पूरी कंप्लीटली इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाइए और आप लोग यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इनरोल कर लेना है। इनरोलमेंट आपकी पूरी तरीके से फ्री होने वाली है और इनरोलमेंट आप तभी कर पाएंगे जब स्क्रीन पे कोड शो हो रहा है सीखे10, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके इनरोलमेंट पूरी तरीके से फ्री होने वाली है। और टेस्ट सीरीज में आपको ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होने के आपके कई सारे बेनिफिट्स है। जैसे आप देख लीजिए आपका जो फिजिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है अकेडमी पे चलने वाली है, जिसमें आपको यहाँ पे देख लीजिए 14 फरवरी को आपका फिजिक्स का होने वाला है, बायोलॉजी का यहाँ पे देख लीजिए 15 को होने वाला है, 16 को आपको केमिस्ट्री का होने वाला है, इंग्लिश को आपको 18 को होने वाला है। इसी तरीके से तमाम सब्जेक्ट्स के आपको प्री बोर्ड की जो पूरी कंप्लीटली जो है अकेडमी पे चलने वाली है। ये सबसे अच्छा मौका है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने का। अकेडमी पूरी तरीके से फ्री में चलने वाली है और साथ ही साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन होंगे तो आपके कई सारे बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि आपको सबसे पहला बेनिफिट होगा कि आप एग्जामिनेशन को लेकर पहले से प्रिपेयर होंगे और हर एक यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो चलने वाली है ओवरऑल आपको ऑल इंडिया रैंक भी बताई जाएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप एग्जामिनेशन से और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं और आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया, तो वहां से जरूर विजिट करिएगा।